छोड़ छोड़ छोड़, अरे मेरा टिफिन ले गए। बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं, खाने का टिफिन तक नहीं छोड़ रहे हैं, भलाई का जमाना ही नहीं है। क्या छोड़ो, हो सकता है उसको खाने की जरूरत हो। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा टिफिन बनवा लेता हूँ। आ रहे हैं आ रहे हैं। अरे तुम तो ऑफिस गए थे ना? अरे कहाँ जा पाया, बात ये है कि दो लोग मुझसे ना टिफिन छीन के ले गए। क्या आपका टिफिन चोरी हो गया? आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं ना अभी आपके लिए दूसरा टिफिन लगा कर लाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, जो मैंने तुमको 50,000 रुपए दिए थे ना, वो दे दो मेरे को। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आपको टिफिन के बजाय वो 50,000 रुपए की पड़ी है, और वैसे भी वो पैसे तो आपने मुझे दिए थे ना मेरे निजी खर्चे के लिए। तो तुमको दिए थे तो मैं ले नहीं सकता हूँ क्या? चुपचाप जाओ और 50,000 रुपए लेके आओ। मैं वो पैसे नहीं दे सकती। अरे क्यों नहीं दे सकती बहू, दे दो ना। अरे देगी कैसे, जब इसके पास होंगे तब ना। क्या मतलब है आपका? है पैसे मेरे पास में, बट मैं नहीं देना चाहती। आपने मुझे मेरे निजी खर्चे के लिए दिए थे ना वो पैसे, और मैं आपका टिफिन लेकर आती हूँ। रुक जाओ, ये झूठ ना किसी और से बोलना, मेरे को तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? बात ये ना पिताजी, क्योंकि जो मैंने इसको 50,000 रुपए दिए थे ना, उसने अपने बॉयफ्रेंड को जो दे दिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी पत्नी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हें लगता है कि मेरा बाहर चक्कर चल रहा है? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। ये फोन है ना इसके बॉयफ्रेंड का है। जब वो लोग मेरे हाथ से टिफिन छीन के ले जा रहे थे ना, तो ये फोन गिर गया था, और उसी वक्त दिव्या ने उनको फोन किया था। मैंने सारी बातें सुन ली है। एक काम करता हूँ, दूसरा टिफिन लगवा लेता हूँ। अरे मुझे लगता है ये फोन इन लोगों का ही गिर गया है। अरे ये किसका कॉल आ रहा है? ये तो मेरी वाइफ का नंबर है, दिव्या का। एक काम करता हूँ, अटेंड करता हूँ। हेलो, मिल गए ना पैसे तुम्हें? अच्छा आइडिया था ना मेरा। अच्छा सुनो, मैं ना रखती हूँ क्योंकि ससुर जी बात में है। अब तुमको ना सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, मुझे अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है बहुत हो गया। अब मैं और झूठ बोलना भी नहीं चाहती। मैं बताती हूँ सारा सच क्या है। आप लोगों ने मजबूर किया है मुझे ये सब कुछ करने के लिए। क्या बकवास कर रही हो बहू तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ पापा जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सच तो ये है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि वो मेरा कजन भाई था। आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, और उनका इलाज जल्द से जल्द होना सख्त जरूरी है। उनके ऑपरेशन के लिए ना हम लोगों को पूरे 2 लाख रुपए की जरूरत थी, पर आप लोग तो मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और ना ही मुझे कुछ करने दे रहे थे। हाथ बांध दिए थे आप लोगों ने मेरे। आप लोगों को पता है ना कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है जो उन लोगों का सहारा बन सके। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, तो मुझे लगा था कि आप लोग भी मेरे घर वालों को अपना मानेंगे और उनके सुख दुख के साथी बनेंगे। पर आप लोगों ने क्या किया, जब हमें आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो मुझे ये बोल के चुप करा दिया कि मेरे घर वाले सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए नाटक करते हैं। आप लोगों को पता है ना कि पापा की डेथ हो चुकी है 2 साल पहले। मेरी माँ अकेली है, वो अकेली उस घर में रहती है, इतनी बीमार है, और उनके इलाज के लिए जरा सी भी मदद करनी जरूरी नहीं समझी आपने। यहाँ तक कि मुझे भी जॉब करने नहीं देते। कि हमारे घर की बहू है बाहर जाके काम नहीं करती, क्या करूँ फिर मैं, कैसे करवाऊँ अपनी माँ का इलाज? हमारा और कोई रिश्तेदार भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मेरा कजन भाई, वो सबसे अलग है, उसने मदद की मेरी। 1.5 लाख रुपए का इंतजाम किया उसने, पर 50,000 फिर भी कम पड़ रहे थे। इसलिए जब आपने मुझे वो पैसे दिए, तो मैंने किसी ना किसी तरीके से वो उस तक पहुंचाने की कोशिश की, जिससे कि वो जाके माँ का ऑपरेशन करा दे। और आप लोग ये नहीं समझोगे, क्योंकि आप लोग खुद कर दो खुद कर। आप लोगों ने कभी मेरे घर वालों को अपना माना ही नहीं। आप लोग शादी करके एक लड़की को नहीं लेकर आए, एक नौकरानी को लेकर आए, जो सिर्फ और सिर्फ एक घर का काम करने के लिए है। मुझे माफ कर दो, बात यह है कि मैं तुम पर शक करता रहा और तुम्हारे घर वालों को फालतू के इल्जाम लगाता रहा, क्यों बीमारी का बहाना बनाते हैं पैसे के लिए, ये ना वो। ये बात सच है, मेरी भी अगर बहन होती, अगर उसका पति भी उसके साथ गलत करता, तो शायद हमको बुरा लगता। हम लोग भी इतने बुरे नहीं है दिव्या, हमें माफ कर दो दिव्या। और बहू तुम चेंज कर लो, हम लोग आज ही चलेंगे तुम्हारी माँ को देखने, और जो भी मदद हम लोगों की तरफ से बन सकेगी हम पूरी करेंगे।